श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे देश के सबसे गुस्सैल आदमी के बारे में, मोस्ट शॉर्ट टेम्पर्ड और गुस्से वाले आदमी के बारे में। और ये हमारी दिल्ली के रहने वाले परमजीत सिंह पम्मा। सदर बाजार में कपड़े सिलने के सामान की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, लेकिन देश विदेश की मीडिया में हर वक्त छाए रहते हैं। मुद्दा कोई भी हो, किसी पार्टी या देश के खिलाफ हो, परमजीत सिंह पम्मा एक उग्र प्रदर्शन कर डालते हैं। परमजीत सिंह जी ने राष्ट्रीय अकाली दल नाम से अपनी पार्टी भी रखी हुई है, बना रखी है। कोई मुद्दा हाथ लगते ही वो जंतर मंतर, संसद भवन या किसी भी ऐसी जगह पर अपने साथियों के साथ पहुंच जाते हैं और 15-20 मिनट का प्रदर्शन आयोजित करते हैं। शुरू में प्रदर्शनों की फोटो खींचकर खुद ही उसे अखबार के दफ्तरों में छपवाने के लिए मुस्कुराते हुए ले जाना पड़ता था, लेकिन बाद में शोहरत मिली तो खुद ब खुद अखबारों में फोटो छपने लगी। अब तो विदेशी अखबारों में भी उनकी तस्वीरें आती हैं। पम्मा जी ने 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और पिता के साथ एक आंदोलन में शामिल हुए। उसके बाद तो मानो आंदोलन करने और अखबार में फोटो छपवाने का चस्का लग गया। उनका कहना है कि जब भी कोई आम आदमी परेशान होता है तो उन्हें गुस्सा आता है। दिल्ली में जब प्याज के दाम बढ़े तो पम्मा जी ने मंडी से 40 किलो प्याज खरीदकर 20 रुपए किलो में बिकवाया, टीवी पर अश्लीलता के खिलाफ आंदोलन किया तो सचमुच में असली टीवी में आग लगा दी। वो सेकेंड हैंड टीवी उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च करके खरीदा था। फौजियों पर हमलों के विरोध में वो सेना की वर्दी में पहुंचे। अमेरिका में सिखों पर हुए हमले हुए तो दिल्ली में नंगी तलवारों के साथ ऐसी फोटो खिंचवाई कि देखने वाले दंग रह गए। वैसे प्रदर्शन के लिए उनका पसंदीदा विषय हमेशा से पाकिस्तान रहा है। लोगों की भलाई के लिए गुस्सा कर करके परमजीत सिंह पम्मा अपनी तबीयत भी खराब कर चुके हैं। वो दिल के मरीज हो चुके हैं, उनका ऑपरेशन भी हो चुका है। परमजीत सिंह पम्मा को जानने वाले बताते हैं कि अक्सर जिंदगी में वो बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रदर्शनों और अखबारों में उनकी तस्वीरों के अलावा अक्सर उन्हें मुस्कुराते हुए और लोगों से दुआ सलाम करते हुए देखा जाता है। तो धन्यवाद, आप हमें चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।